रेवाड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुनील यादव के लिए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए वो जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में सरकार होगी तो वो दोनों हाथों से जनता की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने तब से देश की सैन्य शक्ति में काफी इजाफा हुआ। उन्होंने मनेठी में एम्स का श्रेय राव इंद्रजीत सिंह को दिया। बीजेपी से नाराज चल रहे उन नेताओं को भी चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी के साथ चलना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। जेपी नड्डा ने यह भी जता दिया कि जिसने भी पार्टी को छोड़ा है वो समाप्त हो गया है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, पार्टी के साथ चलना हमारी जिम्मेवारी है और पार्टी की हर बात को मानना हमारी जिम्मेवारी है, और जो इससे अलग हटने की कोशिश करता है भारतीय जनता पार्टी से जो बाहर गया वो समाप्त हुआ, ये भी ध्यान रखना। इसलिए याद रखना, विचारधारा को लेकर के हम चले हैं, हम यहाँ पर किसी को बैठाने के लिए कुर्सी में और किसी को उठाने के लिए नहीं है, हम देश की सेवा के लिए आए हैं, हम प्रदेश की सेवा के लिए आए हैं।